सुजानगढ़ जैन श्वेतांबर तेरापंथ के 11वें अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण का चातुर्मास चूरू जिले के छापर कस्बे में चल रहा है। इस अवसर पर श्रावक श्राविकाओं को संबोधित करते हुए आचार्य महाश्रमण ने कहा कि जैन दर्शन में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवमन, पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। आचार्य महाश्रवण ने कहा कि मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, श्रोता भी मेरे शब्द सुन रहे हैं, मैं स्वयं भी अपने शब्दों को सुन रहा हूं। इसलिए जीवन में ज्ञान का परम महत्व है, स्वाध्याय के साथ श्रुत का संबंध है। चतुर्मास 9 जुलाई का गुरुदेव का छापर में प्रवेश हुआ है और 14 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हुआ है। छापर के लोगों में काफ़ी उत्साह है। ये 74 वर्ष बाद छापर की धरा पर, आचार्य कालूगणी की जन्म धरा पर चतुर्मास हो रहा है। ये हम छापरवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है और व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त चल रही है। यात्री लोग काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, उनकी सुविधा के लिए हम लोग सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं ताकि आए हुए अतिथियों को कोई तरह की असुविधा न हो। पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास हम छापरवासियों को 74 साल के बाद मिले। चतुर्मास काल शुरू होने के बाद बहुत ही भव्य रूप से चल रहा है। बहुत भी बाहर के लोग देश विदेश से आ रहे हैं और सेवा का लाभ ले रहे हैं। यह चतुर्मास गुरुदेव ने फरमाया था कि एक ऐतिहासिक चतुर्मास होगा, तो ये उसी तरह लोगों का आना जाना और भव्य रूप से पंडाल रहने की व्यवस्था